नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दो महीने की जंग के बाद अब रूस मिलिट्री ऑपरेशंस का दूसरा चरण शुरू करने वाला है। मारियोपोल का इलाका उसके नियंत्रण में आ चुका है। जंग पूरी तरह पूर्वी यूक्रेन में शिफ्ट हो चुकी है। रूस की योजना यह है कि 9 मई तक इस युद्ध को पूरा कर लिया जाए। पुतिन ने चेतावनी दी है, हमको धमकाने वाले सावधान रहें। पुतिन ने आगाह किया है, विश्व का हर शहर अब रूस के निशाने पर। रूस के पास 18,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइल है। बस एक बटन दबा और दुनिया का कोई भी शहर तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध का पहला दौर खत्म हो चुका। पिछले 60 दिन यूक्रेन के वजूद पर भारी रहे हैं। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, लेकिन जंग जारी है। यूक्रेन को नेटो की मदद जारी है। रूस की सैन्य ठिकानों पर बमबारी भी जारी है। डीनाजिफिकेशन जारी है। ये रूसिया आक्रमण का पहला चरण था, अब युद्ध पार्ट टू की बात। In this operation will continue. It is beginning. Another stage of this operation is beginning, and I'm sure this will be a very important moment of this entire special operation. रूस ने साफ-साफ बता दिया है कि 60 दिनों के इस युद्ध के बाद यूक्रेन के खिलाफ उसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में रूस का पूरा फोकस उस तरफ है जो 2014 से उसके दिल में एक पीस की तरह चुभ रहा है। आज तक से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव बातचीत में रूस के विदेश मंत्री ने रूसी प्लान ऑफ एक्शन को साफ साफ बता दिया है। यूक्रेन बिकमिंग नेटो स्प्रिंगबोर्ड एंड नेटो एक्सपेंशन एंड दे वर सेइंग दैट यूक्रेन will be in NATO. Nobody can stop Ukraine if it so wishes. And then President Zelensky said that he might think about coming back to possess nuclear weapons. And in November last year, my president suggested to the United States and to NATO to sit down, to cool off. 2 महीनों में यूक्रेन ने जो तबाही देखी है, उससे बाहर निकलने में यूक्रेन को कई साल लग जाएंगे। रूस ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसने यूक्रेन के लगभग हर हिस्से पर हमला बोला है। अब उसका पूरा फोकस है डॉनबास इलाके पर, जहां कुछ ही दिन पहले उसने रूसी सैन्य बलों की संख्या बढ़ा दी थी। अब डॉनबास में लुहांस्क और डोनेस्क की स्वायत्तता पर रूस की नजर है। Be
because of the military situation on the ground. He said that it's unthinkable for Ukraine to give special status to any part of his territory, of its territory. But it was very thinkable, if I may say so, when Ukraine was created, to put together the territories which now in the West never celebrate the Victory Day, 9th of May. And on the other hand, the territories in the East, which would never celebrate the heroes honored in the West, those who collaborated with Hitler. रूस ने अपनी पूरी सेना को यूक्रेन के बाकी सभी इलाकों से निकाल लिया है और अब ये सैनिक पूर्वी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दूसरे चरण की इस लड़ाई का मकसद यूक्रेन को कई हिस्सों में बांट देना है। युद्ध के पहले फेज में कीव को घेरा गया, खार्किव तबाह हुआ, सूमी का संघर्ष हुआ, मारियोपोल खंडहर बना, खेरसन पर आंशिक कब्जा हुआ, लेकिन यूक्रेन ने हार नहीं मानी। अब युद्ध के फेज दो की बारी है। चौबीस फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया तो रूस का निशाना था यूक्रेन की राजधानी कीव। पुतिन के अनुसार इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का उद्देश्य था यूक्रेन का डीनाजिफिकेशन, यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से रोकना। लेकिन ये पुतिन के लिए इतना आसान नहीं रहा। यूक्रेन ने रूसी हमलों पर जबरदस्त पलटवार किया। ये युद्ध का पहला चरण था। अब युद्ध का दूसरा चरण एक्टिवेट हो चुका है, यानी बैटल ऑफ डॉनबास। Aimed, as was announced from the very beginning, to fully liberate the Donetsk and Luhansk republics. And this operation will continue. It is beginning, another stage of this operation is beginning, and I'm sure this will be a very important moment of this entire special operation. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने आज तक से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि रूस का अगला निशाना अब डॉनबास को यूक्रेन से आजाद कराना है। Russia is warning all its colleagues that just on our borders you have been creating a springboard against us. You have been pumping arms into Ukraine. You have been totally ignoring the legislation of Ukraine, which completely prohibited the Russian language. You have been ignoring legislation which have been encouraging neo-Nazist ideology and practices. Of course, the very latest development in, because it was all linked with Ukraine becoming NATO springboard. पूर्वी यूक्रेन में पड़ने वाले डॉनबास में पश्चिमी यूक्रेन की तुलना रूसी समर्थक आबादी ज्यादा मानी जाती है। नेटो के मुताबिक डॉनबास में पहले से ही रूसी समर्थक 10 से 20 हजार लड़ाके मौजूद हैं। डॉनबास में ज्यादातर आबादी रूसी भाषा बोलती है, इसलिए रूस इसे यूक्रेन से अलग करना चाहता है। ये वही इलाका है जिसके बारे में रूस यूक्रेन पर आरोप लगाता है कि यूक्रेनी सेना और आजोव बटालियन रूसी भाषा बोलने वालों पर अत्याचार कर रही है। डॉनबास में 2014 से ही रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष चल रहा है। डोनेस्क और लुहांस्क भी डॉनबास में ही आते हैं। जंग शुरू होने से दो दिन पहले ही पुतिन ने डोनेस्क और लुहांस्क को आजाद देश के तौर पर मान्यता दी थी। अब पुतिन का प्लान भी उसी डॉनबास पर केंद्रित है। तो आज की तारीख में रूस का ये मकसद है कि किसी तरीके से डॉनबास के इलाके के ऊपर फोकस किया जाए, पूरा डॉनबास का इलाका लिया जाए, मारियोपोल के लेने के बाद उसको क्रीमिया से मिलाया जाए और उसको बफर जोन बनाया जाए, जो कि वो चाहता है रूस की वो नेटो कंट्री और अपने बीच में एक बफर जोन हो। देखिए, ऐसा है कि रशिया का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह से नेटो का एक्सपेंशन रूस की तरफ ना हो, ताकि यूक्रेन जो है एक तरह बफर स्टेट की तरह हो जाए पूरा यूक्रेन। और जैसा आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो
यूरोप का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। तो रूस की ये एक इच्छा थी शुरू से कि नेटो एक्सपेंशन, यही मेजर प्रॉब्लम भी थी। अब चूंकि सारे नेटो कंट्रीज, अमेरिका और सब जो हैं उसकी पूरी तरह मदद कर रहे हैं, तो जो ईस्टर्न पार्ट जिसको हम डोनबास रीजन बोलते हैं, जहाँ ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग रीजन है और वहाँ बहुत से लोग जो हैं वो रशियन एथनिसिटी के भी हैं, उसका जो पुतिन ने शुरू में ही, आपने देखा जनवरी फरवरी में जो उन्होंने उन दोनों रिपब्लिक जो वहाँ के थे उनको ऑटोनोमस बना दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और उससे क्या हो गया कि उनके पास में एक बफर क्रिएट हो गया है। जेलेंस्की को मालूम है कि डॉनबास को बचाए रखना उनके लिए कितना जरूरी है। वो जानते हैं कि अगर डॉनबास पर रूस का कब्जा हो गया तो यूक्रेन के टुकड़े हो सकते हैं। डॉनबास के अलग होने से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कोयला खदानें हैं और ये देश का औद्योगिक केंद्र भी है। इसीलिए यूक्रेन ने भी डॉनबास बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने डोनेस्क से सटे मरियांका शहर से रूसी सेना को खदेड़ दिया। यूक्रेन का यह भी दावा है कि उसकी सेना ने डोनबास में रूसी सेना के 12 टैंक, एक आर्टिलरी सिस्टम, 28 बख्तरबंद गाड़ियां, एक Su-34 एयरक्राफ्ट, एक K-52 हेलीकॉप्टर, 4 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइल को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के बाकी इलाकों से भले ही रूस ने सैनिक निकाल लिए, लेकिन समूचे यूक्रेन पर रुक रुक कर बमबारी जारी है। पूर्वी इलाके में सैनिक आमने सामने हैं, शहर शहर टैंक हैं। दूसरे चरण के इस युद्ध में रूस के हमलों में बढ़ोतरी हुई है। जेलेंस्की का भी यही दावा है। दूसरे चरण की लड़ाई में रूस के 4 मकसद हैं। पहला, पूरे डॉनबास क्षेत्र पर रूस अपना कब्जा बनाना चाहता है। दूसरा, डॉनबास से क्रीमिया तक मारियोपोल होते हुए रूस एक लैंड ब्रिज बनाना चाहता है। तीसरा, रूस खेरसन पर कब्जा चाहता है ताकि क्रीमिया तक मीठे पानी की नहरों को पहुंचाया जा सके। और चौथा, रूस यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाहता है ताकि बातचीत की टेबल पर शर्तें उसके हक में रहें। तो आज की तारीख में रूस का ये मकसद है कि किसी तरीके से डोनबास के इलाके के ऊपर फोकस किया जाए, पूरा डोनबास का इलाका लिया जाए, मारियापोल के लेने के बाद उसको क्रीमिया से मिलाया जाए और उसको बफर जोन बनाया जाए, जो कि वो चाहता है रूस की वो नेटो कंट्री और अपने बीच में एक बफर जोन हो। रूस पहले ही मारियोपोल पर भयानक हमले करके उसको खंडहर में तब्दील कर चुका है, लेकिन कब्जे से अभी भी दूर है। दूसरे चरण के युद्ध में रूस के लिए मारियोपोल पर कब्जा करना बेहद अहम है। मारियोपोल समुद्र से लगता हुआ क्षेत्र है। अगर रूस मारियोपोल पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन समुद्र से पूरी तरह कट जाएगा और किसी भी जरूरी सामान की सप्लाई के लिए उसे अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। रूस का इस लड़ाई का मकसद यही है। पुतिन ने जो सेकंड फेज में अपनी वॉर स्ट्रेटजी को जिस तरह से दर्शाया है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेस सामने आए हैं। तो जाहिर है कि उनका जो फोकस है वो तो ईस्टर्न यूक्रेन पर है, लुहांस्क और डोनेस्क रीजन पर है, लेकिन जो सपोर्टिंग एक्सेस है और सबसे महत्वपूर्ण सपोर्टिंग एक्सेस है वो मारियोपोल है। मारियोपोल का बहुत महत्व है क्योंकि मारियोपोल जो है वो आजोव बटालियन का हेडक्वार्टर्स है। अभी कुछ मिनट पहले पुतिन ने ये कहा है कि मारियोपोल पे अब रशिया का कब्जा हो चुका है। मारियोपोल से क्राइमिया तक अगर एक लैंड ब्रिज बनाते हैं तो बेसिकली वो एक ये जो है ये बेसिकली वहां पे वो स्थापित करने के लिए है, ताकि वहां से उनका जो लॉजिस्टिक्स है वो जल्दी आराम से सप्लाई हो सके। इसके अलावा खेरसन पर अगर रूस का पूर्ण कब्जा हो जाता है तो रूस खेरसन में नीपर नदी के जरिए क्रीमिया तक पानी पहुंचा पाएगा।
2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यूक्रेन ने बांध बनाकर रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को बाधित कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि क्रीमिया में पानी की समस्या खड़ी हो गई। 28 फरवरी को पुतिन ने इस बांध पर बम गिराकर इसको तोड़ दिया था और पानी का प्रवाह क्रीमिया की तरफ कर लिया था। अब उसी पानी को नहरों के जरिए पुतिन चैनलाइज करना चाहते हैं। इस बीच पुतिन ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जो रूस के अनुसार दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को मात देने में सक्षम है। 18,000 किलोमीटर रेंज वाली रूस की इस सरमत मिसाइल के नाम का मतलब ही है शैतान। रूस यूक्रेन जंग के बीच पुतिन एक के बाद एक हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। अब पुतिन ने एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण कर लिया है जो एक साथ 10 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। पुतिन के मुताबिक ये मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती है। Ментальная баллистическая ракета «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Жанкарок и мутабек из мисайль ме хайест тактикал ор тактики вишештайн. 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सरमत विश्व के सभी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखती है। ये 200 टन से अधिक वजनी हथियार और कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। ये दुश्मन के सर्वेलेंस सिस्टम को ट्रैक करने का मौका ही नहीं देती। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। बोलचाल की भाषा में शैतान के नाम से भी जाना जाता है। सरमत के लाइव परीक्षण को पुतिन ने खुद बैठ कर देखा। देखो ये RS-28 सरमत जो है एक बहुत ही आधुनिक हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज करीब करीब 18,000 किलोमीटर है और जिसकी स्पीड करीब करीब 20.7 मैक है और ये एक बहुत ही आधुनिक हथियार है जिसको 10 टन का जो एक प्रकार एक्सप्लोसिव कैरी कर सकता है और मल्टीपल वार हेड है, न्यूक्लियर वार हेड भी कैरी कर सकता है और इसकी मारने की क्षमता ऑलमोस्ट 100% है। सरमत दुनिया के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकती है और उस जगह को तबाह कर सकती है। ये मिसाइल अपने लॉन्चिंग साइट यानी रूस के ब्लेसिस कॉस्मोड्रोम से 17 मिनट 25 सेकंड में वॉशिंगटन डीसी पर हमला कर सकती है, 8 मिनट 30 सेकंड में लंदन, 16 मिनट 23 सेकंड में टोक्यो, 6 मिनट में बर्लिन और 33 मिनट 45 सेकंड में कैनबरा को तबाह कर सकती है। हालांकि अमेरिका के अनुसार रूस ने अमेरिका को लॉन्च की जानकारी पहले ही दे दी थी। ऐसा मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच नए स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी की वजह से हुआ। अमेरिका ने इस परीक्षण को खतरा नहीं माना है। वहां की सैन्य शक्ति खत्म करने के साथ साथ उसका मकसद नाजीवाद की जड़ें मिटाना है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स में शामिल अजोव बटालियन को रूस नाजीवादी विचारधारा का संगठन कहता है। यह वही संगठन है जिस पर रूस के आरोप लगाता आया है कि उसके सैनिकों ने डोनबास क्षेत्र के रूस समर्थकों पर अत्याचार किए, उनकी हत्याएं की। इसीलिए जरूरी है आधुनिक दौर के इन नाजियों को नष्ट किया जाए। Wir erinnern die Rundere Zeichen wieder siegen!
हिटलर की आत्महत्या के बाद नाजी सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन रूस का दावा है कि उसके विचार, उसके संस्कार, उसकी पहचान आज भी यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स के भीतर मौजूद है। इन तस्वीरों में एक ऐसा निशान है जो हिटलर की नाजी सेना के अत्याचारों की याद दिलाता है। यह निशान है नाजी जर्मनी की एलीट फोर्स पैनजर डिवीजन 10 राइख का। इसी इंसिग्निया से मिलता जुलता निशान है यूक्रेन के नेशनल गार्ड्स आजोव बटालियन का। पुतिन की निगाह में यही निशान खटक गया। इसी निशान का हवाला देते हुए युद्ध छेड़ने से पहले पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन की सेना नाजियों जैसा व्यवहार कर रही है। देखिए, जो आजोव बटालियन है, इसके बारे में कहा जाता है कि इवन अमेरिकी कांग्रेस ने उसको एक टाइम पे सैंक्शन किया था, उसको एज ए टेररिस्ट ग्रुप के रूप में कहा था, क्योंकि वो लोग जो हैं वो नाजी, पुराने टाइप के नाजी नहीं माने जाते हैं, बट वो उनका जो नजरिया है, उनका जो ढर्रा है, जिस तरह से वो रूसी लोगों को मारने लगे थे वहाँ पे पिछले 10 साल में, 2014 से और 7-8 साल में, तो काफ़ी उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन का भी वो है, और बड़ी खतरनाक जो है एक फौज है वो, जो बड़ी जिसको कहते हैं कि नाजिस्ट फौज मानी जाती है। तो जब पुतिन जी का शुरू में उन्होंने कहा था कि दो उनके ऑब्जेक्टिव हैं यूक्रेन में, एक पहला ऑब्जेक्टिव था कि डीमिलिटराइजेशन कैसे किया जाए और दूसरा था डीनाजिफिकेशन। तो आज जो अजोव बटालियन है वो वहाँ पे मारियोपोल और उस एरिया में डोनबास रीजन में लड़ाई लड़ती रही है, और बड़ी जिसको कहते हैं एक तरह से खतरनाक बटालियन है। ऐसा माना जाता है कि आजोव रेजिमेंट नियो नाजी और व्हाइट सुप्रीमेसी यानी श्वेत लोगों के वर्चस्व की वकालत करने वाला संगठन है। रूस में आजोव रेजिमेंट का उभार 2010 से माना जाता है। यूरोपीय संघ विरुद्ध विचारधारा वाले विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। यूरोपीय संघ में ना जाने का फैसला लेने के बाद यूक्रेन में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। रूस समर्थकों और यूरोपियन यूनियन समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। आजोव बटालियन के लड़ाकों ने रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के दौरान भी आजोव बटालियन ने मारियोपोल की लड़ाई लड़ी। 2014 के अंत में आजोव बटालियन के लड़ाकों को नेशनल गार्ड्स में शामिल कर लिया गया। आजोव रेजिमेंट का वर्चस्व वेस्ट यूक्रेन में ज्यादा है, और यही वो लोग हैं जो प्रो रशियन यूक्रेनियन के खिलाफ काम करते हैं। रूस ने यह भी दावा किया था कि उसकी सेना के 30 मार्च को बूचा छोड़ने के बाद इसी बटालियन के सैनिकों ने लोगों की हत्याएं की थी। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी आरटी ने ऐसे कुछ वीडियो भी जारी किए थे। रूस ने कहा था कि वीडियो में यूक्रेनी सेना के नेशनल गार्ड्स नजर आ रहे हैं जो आम नागरिकों पर अत्याचार कर रहे हैं। रूस ने कहा था कि ये वीडियो भी नेशनल गार्ड्स के लीडर बोट्समैन सर्गेई ने पोस्ट किया था। रूस का दावा है कि यूक्रेन में बढ़ते इसी नाजीवाद के खिलाफ उसकी जंग है। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना के साथ नेशनल गार्ड्स के जवान और विदेशी लड़ाके रूस से जंग लड़ रहे हैं। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन पुतिन की नीति साफ है कि नाजीवादी नेशनल गार्ड्स को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यही रूस के मुताबिक डीनाजिफिकेशन का दूसरा मकसद है। युद्ध में उतरने का रूस का मकसद है अपने दुश्मन देश की ताकत को खत्म करना, यानी यूक्रेन की सैन्य शक्ति को मिटा देना। इसीलिए रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर ध्वस्त कर रहा है। लेकिन यूक्रेन की सैन्य शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हो रही। रूस अगर युद्ध के दूसरे चरण की बात कर रहा है तो यूक्रेन और नेटो देश भी पीछे नहीं है। यूरोपीय और पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में डटा हुआ है। ताकत की तुलना में यूक्रेन रूस से कहीं पीछे है।
लेकिन युद्ध के मोर्चे पर उसका डटे रहना बता रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दुनिया मानती रही है। रूस यूक्रेन को इतना कमजोर करना चाहता है ताकि वो भविष्य में रूस के खिलाफ आवाज उठा ही न सके। इसीलिए रूस ने उसकी सैन्य शक्ति के ठिकानों पर कड़े प्रहार किए। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन के 13 सैन्य और हथियार रखने के अड्डों पर मिसाइल से हमला किया गया। रूस की एयरफोर्स ने 60 दूसरे सैन्य ठिकानों पर एयर अटैक किया। एयरफोर्स ने उन ठिकानों को तबाह किया जिनमें मिसाइल वॉरहेड रखे गए थे। रूस की आर्टिलरी ने यूक्रेन के 1300 सैन्य ठिकानों पर गोले बरसाए। रूसी तोपखाने ने 1200 उन ठिकानों पर भी गोले बरसाए जहां यूक्रेनी सैनिक जमा थे। Russia is warning all its colleagues that just on our borders you have been creating a springboard against us. You have been pumping arms into Ukraine. You have been totally ignoring the legislation of Ukraine which prohibited, completely prohibited the Russian language. You have been ignoring legislation which have been encouraging neo-Nazist ideology and practices. Of course, the very latest development in, because it was all linked with Ukraine becoming NATO springboard and NATO expansion. And they were saying that Ukraine will be in NATO. Nobody can stop Ukraine if it so wishes. And then President Zelensky said that he might think about coming back to possess nuclear weapons. And in November last year, my president suggested to the United States and to NATO to sit down, to cool off. रूस ने जब युद्ध शुरू किया तो अनुमान लगाए गए कि लड़ाई हफ्ते भर की है, लेकिन 2 महीने से लगातार बम बरस रहे हैं। रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें, बम, एयर अटैक और गोला बारूद यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि गोलाबारी तेज करने के बावजूद रूस को संघर्ष करना पड़ रहा है। यूक्रेन के दावे अगर सच हैं तो इसकी वजह है यूक्रेन को मिल रहे आधुनिक हथियार। रशिया की मिलिट्री स्ट्रेटेजी ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और यूक्रेन की क्षमता को, यूक्रेन के रिजॉल्व को और यूक्रेन के मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को अंडर एस्टिमेट किया। अब देखिए, हो ये रहा है कि ये एक तरह की एक लंबी खिंचती हुई लड़ाई जो ये बन गई है। ये यूक्रेन चाहे वो ऑफेंसिव लॉन्च करे या वो डिफेंसिव पर्पस से रूस से लड़ाई करे, तो डिफेंसिव पर्पस हो या ऑफेंसिव पर्पस हो, दोनों के लिए ही यूक्रेन को जो बेसिकली सहायता है वो वेस्ट की तरफ से मिल रही है। और वेस्ट एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर यूक्रेन को मैनपैड सप्लाई कर रहा है। मैनपैड क्या होते हैं? जो बेसिकली पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, जैसे जैवलिन हैं, स्टिंगर्स हैं, एंटी टैंक वेपन्स हैं, इन सब चीजों में कर रहा है। उसके पहले से हमारे पास अब हमें जानकारी है कि वेस्ट ने यूक्रेन के सेना को और वहां के मिलिशियाज को, दोनों को ही ट्रेन किया है सालों तक। और इसलिए जो इस समय ये एड आती चली जा रही है लगातार, और लवीव के जरिए, पोलैंड के पास जो लवीव का जो रीजन है वहां से ये एड आ रही है, उसके ही बल पर ये लड़ाई जो है बेसिकली चलती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि जंग आखिरी दौर में है। अगर यूक्रेन के पास हथियार होते तो जंग पहले ही खत्म हो गई होती। Саме тому я буквально в кожному контакті з лідерами демократичного світу, в усіх переговорах, в усіх інтерв'ю наголошую на простій істині. Це не справедливо, що Україна і досі змушена просити про те, що у партнерів роками зберігається десь там на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут, яка потрібна зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і необхідні зараз, то це їхні в першу чергу. Черво моральний обов'язок допомогти захистити свободу, допомогти врятувати життя тисяч українців. Зеленський भले ही हथियारों की कमी बता रहे हूं, लेकिन जंग में रूस के सामने यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दम पर ही डटा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए हथियारों का खजाना खोल दिया है। अमेरिका सीधा इस लड़ाई के अंदर नहीं आया है, वो यूक्रेन के कंधे से फायर कर रहा है और यूक्रेन को हथियार देता जा रहा है। नेटो कंट्री और अमेरिका जिस प्रकार से उसको जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल एंड लॉस भी एक एंटी टैंक वेपन जो कि यूके का, वो भी सिंजर जो मिसाइल है एंटी एयरक्राफ्ट, उसके बाद जो ड्रोन्स हैं वो स्विच ब्लेड, वो भी दिए जा रहे हैं।
तो मतलब यह है कि ये जो जितने भी डिफेंसिव वेपन हैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से यूक्रेन लड़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिले हथियारों की लंबी फहरिस्त है। अमेरिका ने यूक्रेन को एफएमजी 148 जेवलिन पोर्टेबल मिसाइल दी है। इन्हें कंधे पर रखकर आसानी से दागा जा सकता है। यूक्रेन को अमेरिका और तुर्की ने हमलावर ड्रोन भी दिए हैं। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को रूस में ही बने S-300 एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है। स्वीडन ने यूक्रेन को NLAW मतलब लाइट एंटी टैंक वेपन दिया है, जो महज 12.5 किलो का है और टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। अमेरिका ने FIM-92 पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्मर आर्मर्ड मिसाइल सिस्टम भी देने का ऐलान किया है। इन्हीं हथियारों की ताकत पर यूक्रेन ने रूसी टैंकों को ध्वस्त किया है और रूसी एयर अटैक को नाकाम भी। पुतिन जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी पुतिन अपना रहे हैं, शुरुआत की जो स्ट्रैटेजी थी पुतिन की, उससे उनके मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल पा रहे थे, नहीं अचीव कर पा रहे थे। अब वो बेसिकली जिसको दूसरा चरण कह रहे हैं, वो दूसरा चरण मतलब ये है कि वो उनके सामने जो एक ये है, उनके सामने जो एक निर्णायक डेट आएगी वो है 9 मई की, क्योंकि 9 मई रशिया में विक्ट्री डे की तरह मनाया जाता है। विक्ट्री डे के दिन पुतिन को रशिया में इस वॉर का एक पॉजिटिव आउटकम दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे में अब 9 मई की डेट जो है वो पास आती जा रही है, लड़ाई जो है वो अपने 57th दिन पर है, तो जल्दी ही 2 महीने पूरे कर लेगी। ऐसे में पुतिन को अपने ऑफेंसिव को और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि रशिया का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी तरह से नेटो का एक्सपेंशन रूस की तरफ ना हो, ताकि यूक्रेन जो है एक तरह बफर स्टेट की तरह हो जाए पूरा यूक्रेन। और जैसा आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो यूरोप का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है, तो रूस की ये एक इच्छा थी शुरू से कि नेटो एक्सपेंशन में, यही मेजर प्रॉब्लम भी। अब चूंकि सारे नेटो कंट्रीज, अमेरिका और सब जो हैं उसकी पूरी तरह मदद कर रहे हैं, तो जो ईस्टर्न पार्ट जिसको हम डोनबास रीजन बोलते हैं, जहाँ ज़्यादातर रशियन स्पीकिंग रीजन है और वहाँ बहुत से लोग जो हैं वो रशियन एथनिसिटी के भी हैं, उसका जो पुतिन ने शुरू में ही, आपने देखा जनवरी फरवरी में जो उन्होंने उन दोनों रिपब्लिक जो वहाँ के थे उनको ऑटोनॉमस बना दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और उससे क्या हो गया कि उनके पास में एक बफर क्रिएट हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि लंबे खिंचते युद्ध से रूस इतना चिढ़ा हुआ है कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेन ने तो यहां तक दावा किया है कि रूस ने मारियोपोल में रासायनिक हमला किया, जिसका शिकार यूक्रेन के आम नागरिक भी हो रहे हैं। हमें उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। दुनिया को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, दुनिया को इसके लिए पहले ही कई तरीकों से तैयार रहना चाहिए। उनसे बात करने और पेपर साइन करने की भी जरूरत है, उनकी अर्थव्यवस्था को सीमित करने की जरूरत है ताकि वो न्यूक्लियर हमले के बारे में सोच भी ना सके। अगर हम उनका इंतजार करेंगे तो वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी हथियार, आप भरोसा नहीं कर सकते। President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. वो तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका कहना इस पर निर्भर करता है कि वो क्या पीते हैं और क्या फूंकते हैं। सर्गेई लैवरोव किसी भी परमाणु हमले से तो इनकार कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस बड़े पैमाने पर केमिकल अटैक भी कर सकता है। ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है इसका, अमेरिकन्स ने भी खुद कहा कि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है, तो एक तरह से वो तुर्रा छोड़ देते हैं सब लोग और फिर उसके पीछे सब लोग लग जाता है, मीडिया भी और सब लोग कहने के लिए। तो देखिए इस वॉर में सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और डिसइंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में 90% झूठी चीज़ें भी सच्ची साबित करी जाती हैं, तो इसलिए जो भी चीज़ हो उसको हमें पूरा नापतोल करके मापदंड के बाद ही इस बात के ऊपर आप किसी नतीजे पहुँच सकते हैं। अप्रैल की शुरुआत में यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने मारियोपोल शहर में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया है।
12 अप्रैल को यूक्रेनी गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन ग्रिशचेंको ने ट्विटर पर लिखा था कि रूस ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। यूक्रेन सरकार ने दावा किया था कि रूस ने एक अनमैन्ड ड्रोन के जरिए मारियोपोल में जहरीला पदार्थ गिराया है। तो केमिकल वेपन की बातचीत कर रहे थे, ये मुझे लगता है एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इंफॉर्मेशन वारफेयर है, हाइब्रिड वारफेयर का हिस्सा है, पर असलियत इसकी शायद नहीं थी। इसमें ऐसा नहीं लगता कि रूस ने कोई केमिकल हथियार इस्तेमाल किए हैं, मगर ये यूक्रेन ने जो दावा किया था, मुझे लगता है ये एक ज्यादा पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा है, प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, असलियत इसमें कम है। घातक केमिकल हथियारों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, नर्व एजेंट या नर्व गैस, इससे निकली जहरीली गैस फेफड़ों में भर जाती है और इंसान की कुछ ही सेकंड में मौत हो जाती है, चोकिंग एजेंट, इससे निकली जहरीली गैस नाक गले और फेफड़ों पर हमला करती है, दम घुटने से मौत हो जाती है, ब्लड एजेंट, ये केमिकल हथियार इंसान की रक्त कोशिकाओं पर असर डालकर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं जिससे मौत हो जाती है, ब्लिस्टरिंग एजेंट, खतरनाक रसायन इंसान की त्वचा और फेफड़ों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं, इस हमले में शरीर पर गहरे घाव फफोले बन जाते हैं, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। केमिकल वेपन ऐसा कोई भी म्यूनिशन है जो ऐसे टॉक्सिन्स को कैरी करता है या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कैरी करता है जो बॉडी के सिस्टम को अटैक करते हैं, उनको केमिकल वेपन्स कहते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती है केमिकल वेपन्स की, जैसे आप क्या कर सकते हैं कि चोकिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे फॉस्जीन गैस है, तो फॉस्जीन गैस का अगर अटैक किया जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम चोक करने लग जाता है। सिमिलरली ब्लिस्टर एजेंट्स होते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस है, अगर इसका अटैक किया जाए या इसको मान लीजिए बॉम्ब के थ्रू डिफ्यूज कर दिया जाए तो ब्लाइंड कर सकता है ये इंसान को। सिमिलरली बहुत ही डेंजरस सब्सटेंसेस हैं जैसे कि लीथल कैटेगरी में जो आते हैं, जैसे नर्व एजेंट्स जिनको कहते हैं, नर्व एजेंट्स जो है वो अगर बॉडी में जाते हैं तो वो बॉडी की मसल्स को पैरालाइज करने लग जाते हैं। अप्रैल 2017 में सीरिया में केमिकल अटैक किया गया था, इसमें लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर मरते देखे गए थे। एक छोटे से हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 जख्मी हो गए थे। यूक्रेन का इल्जाम है कि रूस यूक्रेन पर इस तरह का हमला कर चुका है और आगे भी कर सकता है। महेंद्र भास्कर का एक शेर है जो इस सिचुएशन पर पूरी तरीके से फिट बैठता है। अमन पसंद इंसान इधर भी हैं और उधर भी, मगर जो शोलों को हवा दे वो इधर भी हैं और उधर भी। आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।